हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे जो कि आपके सेकंड टर्म का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का एक्सरसाइज मैंने एक पर दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है अटल जी की यादें, चैप्टर नंबर 11। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके चहेते थे। तो अटल जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उन्हें सब प्रेम करते थे। वे महान वो सर्वमान्य नेता तो थे ही, प्रखर कवि थे। वे एक सामान्य नेता थे, मतलब उनमें कोई घमंड नहीं था, और वे क्या थे, प्रखर कवि भी थे। प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर अपने मन की कई परतें खोली थी, और वे प्रधानमंत्री पद पर रहते समय उन्होंने बच्चों के साथ कुछ कन्वर्सेशन किया है जिनमें उन्होंने अपने मन की बात कही है। उसी संवाद पर आधारित ये पाठ पढ़े, और इसी संवाद के आधारित हम ये पाठ को पढ़ेंगे जहाँ पर अटल जी और बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, संवाद यानी कि कन्वर्सेशन। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है। 16 अगस्त 2018 का वो मनहूस दिन, मतलब मनहूस दिन 16 अगस्त 2018, टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज़ आया। क्या आया टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज़? अटल जी नहीं रहे, मतलब अटल जी का 16 अगस्त 2018 को उनका देहांत हो गया। एम्स नई दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया, यानी कि उनका मृत्यु हो गया एक लंबी बीमारी होने के कारण। ये ऐसी खबर थी जिसने हम सबको झकझोर दिया था, ये ऐसा खबर था जिसने हम सबको बहुत ही शॉक में डाल दिया था। सदमे से उबरने में मुझे भी वक्त लगा। ठीक है, स्मृति के कोने में टेलीविजन पर ही प्रसारित एक कार्यक्रम की याद हो आई। स्मृति यानी कि यादें। ठीक है, तो टेलीविजन पर प्रसारित एक कार्यक्रम की याद आ गई। वो 20 दिसंबर 2000 का दिन था जब प्रधानमंत्री कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे। टेलीविजन पर आता था एक प्रोग्राम जहाँ पर प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी क्या करते थे, बच्चों से बातचीत करते थे। 15 बच्चों का दल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। 15 बच्चे के दल अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। ये बच्चे थे, बच्चों का नाम देखो क्या हुआ है, रसज्ञ, पारुल, मनीषा, शमीम, मालविका, प्रवीण, श्यामक, अंकित, मीनाक्षी, राबिन, प्रिया, अपूर्व, विशालक्षी, प्रेरणा और नेहा। आइए उस संवाद का प्रमुख अंश पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख अंश दिया हुआ है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है। पहले रसज्ञ ने क्या कहा, सर यानी कि अटल बिहारी को बोल रहे हैं, हमारे स्कूल में इतने सारे विषय होते हैं, हमारा बस्ता 150 किताब कापियां उठाते उठाते भारी हो जाती है, हम क्या करें। तो हमारे स्कूल में बहुत सारी विषय यानी कि सब्जेक्ट्स होते हैं और उनको उनकी बुक और कॉपियां उठाते उठाते हमारा जो बस्ता यानी कि बैग बहुत भारी हो जाता है, हम क्या करें। तो अटल जी ने क्या कहा, देखो जब मैं पढ़ता था तब किताबें कम थी, खेलने का वक्त ज़्यादा था। इसका अर्थ ये नहीं कि उस समय के बच्चे पढ़ाई में किसी तरह से कमज़ोर थे, अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है। गणित से मुझे भी बहुत डर लगता था, यानी कि अटल जी को मैथ से डर लगता था, जैसे तैसे पास हो जाता था। ठीक है, फिर देखो पारुल ने क्या कहा, आपकी कभी पिटाई हुई थी? अटल जी ने कहा, पिटाई तो मेरी नहीं हुई, हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर अपने पास बुलाते और कान ऐंठते थे, यानी कि कान पकड़कर खींचते थे। अब तो पिटाई भी बंद है, अब कोई स्कूलों में पिटाई नहीं होती है। पिटाई आप लोगों को की भी नहीं होती है क्या, कभी कभी होती है? अटल जी ने पूछा, क्या आप लोगों की कभी कभी पिटाई होती है? नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। सारे बच्चे ने क्या कहा, होती है। अटल जी, न्यायालय ने कह दिया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि
जहाँ पर न्याय होते हैं यानी कि कोर्ट, वहाँ से बताया गया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। हमारे समय में बेंच पर खड़े हो जाओ, मतलब अटल जी के समय टीचर्स उनको बेंच के ऊपर खड़ा करा देते थे। और पहले मुर्गा बहुत बनाया जाता था। मुर्गा बनना जानते हैं आप लोग? अटल जी ने पूछा। मीनाक्षी ने क्या कहा? जी हाँ अटल जी, तो सारी कक्षा में मजाक बनता था। फिर उन्होंने कहा जब मुर्गा बनते थे तब सारी कक्षा में मजाक बनता था, यही हमारी सजा थी। लेकिन मुझे याद है हमारे एक नए मास्टर जी आए थे, एक बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। उनके पास एक छड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया, शायद छड़ी से मुझे मारना चाहते थे। लेकिन वो छड़ी मेरे मुंह पर लगी और मुंह पर छड़ी का निशान बन गया। अटल जी ने अपनी एक यादें शेयर किया बच्चों के साथ। फिर मनीषा ने क्या कहा? आप हम जैसे बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़े? मनीषा ने पूछा कि हम आप हमारे जैसे बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सके। फिर अटल जी ने क्या कहा? बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम करते हैं तो जिस वक्त वे खाली रहे उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। उन्होंने अटल जी ने कहा कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, सबको पढ़ने का मौका देना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। चाइल्ड लेबर यानी कि आप लोग देखते होंगे कि रास्तों पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, फिर रास्तों पर पत्थर तोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा अगर वे करते भी है पेट भरने के लिए तो जब उनको वक्त मिले तब उन्हें पढ़ने का मौका भी मिलना चाहिए। अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं जहां सब लोग पढ़े लिखे हो, इसी दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अटल जी ही प्रयास कर रहे हैं कि भारत में सारे बच्चे शिक्षित हो। बच्चे आए तो खेल के मैदान में आए या कक्षा में रहे या घर में रहे, सड़क पर बिना बात के घूमना अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर शमीम ने क्या कहा? आपका बचपन से ही लक्ष्य था कि आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बने, या फिर आपका कोई और लक्ष्य था? तो उन्होंने पूछा, शमीम ने पूछा अटल जी से कि आपका बचपन से यही लक्ष्य था कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या कुछ और लक्ष्य था? अटल जी ने कहा मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, यानी कि जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बन गया राजनेता। नाम तो मैं कमाना चाहता था लेकिन नेता बनकर नहीं, एक लेखक या कवि के नाते, पत्रकार के नाते, ठीक है। तो अटल जी का ये लक्ष्य नहीं था कि वे नेता बने, उनका लक्ष्य था कि वे पत्रकार बने या कवि बने। फिर मालविका ने कहा हिंदी राजभाषा है पर आज तक उसे वो स्थान नहीं मिल पाया है। आज भी अधिकतर काम अंग्रेजी में होते हैं, जो अंग्रेजी बोलता है उसको समझा जाता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा क्यों होता है? तो मालविका ने पूछा कि हिंदी हमारा राजभाषा है लेकिन आज भी जो इंग्लिश बोलते हैं उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है और ज़्यादातर अधिकतर काम क्या होता है अंग्रेजी में ही होता है, ऐसा क्यों? फिर अटल जी ने कहा लंबे काल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब अंग्रेज भारत पर कब्जा किए हुए थे हम अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना भाषा यही छोड़ गए। अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अधिकाधिक भाषाएं बच्चों को सीखनी चाहिए, बच्चे को अधिक से अधिक भाषाएं सीखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। अब संयोग से अंग्रेजी हमारे बीच में प्रचलन में है, अब क्या हो गया, संयोग से अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है या लिखी जाती है, लेकिन अंग्रेजी जिस तरह से छा रही है वो अस्वाभाविक है, यानी कि वो विश्वसनीय नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजी छा रही है लोग अंग्रेजी भी पढ़े लिखे और बोले और आवश्यक हो तो कार्यालयों में उसका उपयोग करें, पढ़े लिखे और आवश्यक हो तो अपने कार्यालयों में भी उसका उपयोग करें। वे दुनिया में जब बाहर जाए तो अंग्रेजी में अपने भाव प्रकट करें, जहाँ पर अंग्रेजी बोला जाता है वहाँ पर अंग्रेजी बोले, इतना ठीक है। लेकिन अंग्रेजी का अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक भी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का उतना भी आवश्यक नहीं है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेजी,
मातृभाषा के बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेजी आनी चाहिए। श्यामक ने क्या कहा, आपके बचपन में टेलीविजन या मनोरंजन के अन्य साधन तो होते नहीं थे, या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र। आप रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे? ठीक है, तो ये श्यामक ने पूछा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।